नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों आज ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रहा हूं। मैं हूं अभी चौकटा साइड पे, दोपहर का 2:30 बजे का समय हो रहा है। तो सबसे पहले बाहर चलता हूं। अभी मैं हूं स्टोर पे जहां हम सारा सामान यहां पे रखते हैं। तो बाहर चलता हूं, खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को दिखाता हूं, किस प्रकार अभी मौसम हो रहा है पहाड़ों में। धूप आई हुई है बढ़िया और मौसम काफ़ी क्लीन है, काम करने के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो बाहर चलते हैं, मौसम दिखाता हूं और शाम तक आपको काम दिखाऊंगा, यहां पे क्या काम हुआ और सुबह क्या काम हुआ उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग के लिए। दोस्तों इस चैनल पर ऐसे डेली ब्लॉग में डालते रहता हूँ, चाहे हमारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ब्लॉग हो, हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल को लेकर ब्लॉग हो, या फिर कुछ और अगर आप देखना चाहते हैं, पहाड़ों के नेचर को आप पसंद करते हैं तो उसके रिलेटेड डेली ब्लॉग में इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और बाहर चलता हूँ। मैं आ चुका हूँ बाहर, अभी दोपहर के 2:41 हो रहा है। तो व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है देखने के लिए, सामने की तरफ ये देखिए व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों ये है मॉर्निंग का काम जो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये देखिए जो कल ईटा की दीवार थी लगभग पूरी हो चुकी है और 2 दिन में इन्होंने कंप्लीट कर दी। चिनाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ईटा की चिनाई और बगल में रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो रही है और साथ में और काम भी यहाँ पर हो रहे हैं। ऊपर मिट्टी की फिलअप हो रही है और देखिए इस प्रकार यहाँ पर ईंटा की चिनाई की दीवार कंप्लीट हो चुकी है और साथ में रिटेनिंग वॉल तैयार हो रही है। ये देखिए दोस्तों अभी है शाम का समय, लगभग 1-1.5 घंटा रह गया है काम का और दीवार हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कॉलम भरे जाएंगे अभी। ये देखिए एकदम कंप्लीट दीवार हो चुकी है। आप लोगों को कैसा काम लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। दोस्तों मैं आया हुआ था कस्याले और कस्याले से जा रहा हूँ अभी चौकटा की तरफ को। देखिए मस्त व्यू आ रहा है अभी दोपहर के समय में, खूबसूरत धूप खिली हुई है और ठंड के दिनों में ऐसी धूप सेकने का मज़ा ही कुछ अलग है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चौकटा साइड पर और व्यू देखिए काफ़ी क्लीन व्यू देखने को आज मिल रहा होगा आप लोगों को। और देखिए हमारा काम चला हुआ है, आधा घंटा करीब रह गया है काम का और ये था हमारा आज दिन भर का काम। और देखिए रिटेनिंग वॉल की चिनाई भी लगभग कंप्लीट होने वाली है, आधा फिट रह गई है और ईंटा की चिनाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है, कॉलम अभी भरे जा रहे हैं तो बाद में इस पर लेंटर आ जाएगा, अब आप समझ रहे होंगे। अगर आपको भी मुक्तेश्वर एरिया में पहाड़ों पर अपना काम करवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोगों को हमारा कार्य कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आया हुआ हूँ स्टोर पे, सभी के लिए मैंने चाय बनानी है और पीछे मैंने आग लगा दी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस प्रकार यहाँ पे पहाड़ों पे चूल्हे होते हैं, पहाड़ी चूल्हे, और लकड़ियों में ही सारा कुछ यहाँ पे जितना खाना है, चाय हो, खाना लगभग बनाया जाता है। आजकल गैस की सुविधा लगभग हो चुकी है, पहले जिस प्रकार से पहाड़ों में चूल्हे होते थे अभी भी सभी के घरों में वैसे चूल्हे होते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस प्रकार यहाँ पर पहाड़ी चूल्हे होते हैं और मैं चाय बना रहा हूँ और देखिए मैंने आग लगाने की कोशिश कर दी है लकड़ियों पर, तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस प्रकार होते हैं हमारे पहाड़ों में पहाड़ी चूल्हे। ये तो हमने टेम्परेली यहाँ पर बना रखा है ईंटें मिट्टी लगा के, और बाकी परमानेंट होता है हमारा यहाँ पर चूल्हा। और साथ में पवन भाई आ चुके हैं मेरी मदद करने के लिए, हम लगा रहे हैं अभी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगती है तो फिर बनाएंगे चाय। और ये है हमारा स्टोर जहाँ हमने सारा सामान अपना रखा हुआ है, तो देखते हैं अभी कोशिश कर रहे हैं आग जलाने की, आग जल जाती है तो फिर बनाएंगे चाय। फाइनली फ्रेंड आग हमारी जलने लगी है और लगता है अब जल जाएगी, बहुत कोशिश कर ली थी, बहुत थैलियाँ पॉलीथीन वगैरह लगाई और बढ़िया आग अब जल रही है, तो थोड़ा आग को पकड़ने देते हैं फिर बनाएंगे चाय। तो दोस्तों फाइनली आग हमारी लग चुकी है और मैंने भगोना रख दिया है, एकदम पहाड़ी स्टाइल में चाय बनेगी। ये देखिए थोड़ा पानी डाल दिया और ऊपर से पत्ते डाल दी, थोड़ा इसको पकने देते हैं फिर दूध वगैरह और चीज़ इस पर डालते हैं और गुड़ की चाय बनाई जाए पी जाएगी, क्योंकि आजकल पहाड़ों में गुड़ की चाय काफ़ी बढ़िया रहती है। तो चलिए वेट कर। तो दोस्तों चाय हमारी रेडी हो चुकी है और चाय पीते हैं। अभी तक जो काम हुआ वो आप लोगों ने देखा और इसके बाद जो काम रहा हुआ है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे कॉलम वगैरह भरने हैं। चाय एकदम रेडी है, देखिए एकदम मस्त उबल रही है चाय, तो चाय पीते हैं उसके बाद करते हैं आगे। तो दोस्तों फाइनली छुट्टी का समय हो चला है, काम की हो चुकी है छुट्टी और जो काम हुआ हमारा दिन भर का, ये ईंटा की चिनाई हुई जो सामने आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो चुकी है और पास में हमारे रिटेनिंग वॉल की चिनाई हुई, ईंटा की चिनाई ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है और कॉलम भरे गए हैं इस पर और साथ में ये रिटेनिंग वॉल तैयार
करी गई है, लगभग एक लेयर इस पे रह गई है चिनाई की, तो उसके बाद लेंटर डाला जाएगा। तो ये था हमारा काम यहाँ पे आज दिन भर का। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ तो हो चुकी है छुट्टी, तो चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों फाइनली पहाड़ों पर सनसेट हो चुका है, धूप चली गई है, और धूप जाने के बाद नज़ारा देखिए पहाड़ों का। मैं आ चुका हूँ घर पे, और नीचे देखिए खेत क्या मस्त लग रहे हैं बारिशों के बाद, बढ़िया नमी खेतों में बनी हुई है, और जगह जगह आपको हरियाली नज़र आएगी क्योंकि गेहूँ बढ़िया जमने लगे हैं। ये देखिए पास में भी बढ़िया गेहूँ जम रहे हैं अभी। मस्त अभी खेत भी ग्रीन ग्रीन बढ़िया लग रहे हैं। तो ये है नज़ारा अभी शाम के समय में, बढ़िया खूबसूरत नज़ारा और काफ़ी बढ़िया शांति पहाड़ों पे। दोस्तों फाइनली पहाड़ों में हो चुका है अंधेरा, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, और इस साइड को अभी उजाला दिख रहा होगा आपको पहाड़ियों के टॉप पर, यहाँ पर तो हुआ था सनसेट। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, और आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी तरह के डेली ब्लॉग और देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।